दोबारा से अपने जड़ों से जुड़ो, योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्मा षटकर्मा से जुड़ो, मेडिकेटेड फूड मेडिकेटेड वाटर के और अलग अलग प्रकार की थेरेपियों के जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं इनको अपना करके हम बड़े से बड़े रोगों पर विजय पा सकते हैं। फैटी लीवर कब से था? तीन साल से फैटी लीवर था। फिर क्या क्या किया? ये व्रत रखा फलों पे 21 दिन का और ये आसन प्राणायाम और ये अनुलोम विलोम और क्या कहते हैं कपालभाति करी है, उसी से ठीक कर लिया। हाँ जी। तुमने क्या ठीक किया? चलो मंडू का आसन करो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। मुझे एक्यूट एसिडिटी 2019 में हुई थी और मुझे कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती थी जो कि बहुत देर तक चलती थी। उसके बाद शरीर में हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ा सा कदम भी चल पाऊं। और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, आपके यहाँ पे सूजन आ गई है और अंदर कोई शेडो है जिससे कि वो कैंसर में बदल सकता है। कैंसर में बदल सकता है लेकिन कन्फर्म नहीं थे वो। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी और मैंने घर आ गई और मैंने उसके बाद योग प्राणायाम अनुलोम विलोम कपालभाति बहुत बहुत देर तक किया। उसके अलावा सौंफ जीरे और धनिया मेथी अजवाइन और दालचीनी ये 6 चीज़ें मिला के रोज़ पानी पीती हूँ और आज तक पी रही हूँ। और उसके अलावा पवन मुक्तासन और मंडूक आसन मैंने काफ़ी देर तक किया जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। वंदना ने तो बच गई, पेट कटता और कैंसर होता पता नहीं क्या क्या होता। सच में स्वामी जी आपकी बहुत बहुत कृपा। अब इसकी माँ भी मेरी पूरी भक्त है, रोज योग और यज्ञ करती है और इसका पूरा परिवार योग करता है, इसलिए बच गए हैं।